आप में जिशान आपके साथ और सबसे पहले इस बुलेटिन शुरुआत करेंगे। नमाज कक्ष के मामले को लेकर सदन का पारा आज भी चढ़ा रहा। सरफराज अहमद ने सदन में कहा कि नमाज कक्ष के चलते बेवजह विवाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल के समय भी आवंटन हुआ था। सरफराज अहमद ने विधानसभा की कमेटी से जांच करवाने की मांग की है, जिसके बाद बाबूलाल मरांडी ने सरफराज अहमद का दावा खारिज कर दिया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर को मंदिर मस्जिद में ना बांटे। प्रदीप यादव ने भी बाबूलाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसने कमरा दिया था वो ही इनकार कर रहा है। बंधु तिर्की ने भी इस मामले की समिति से जांच की मांग की है। बाबूलाल जी थे उस हाउस में और नामधारी दिया अध्यक्ष थे। उसी समय जो ब्लू प्रिंट बना था उसमें उस कक्ष को दिया गया था, लेकिन फिर ये बात का बतंगड़ हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। मेरा ये अनुरोध है सर, इस पर एक कमेटी आप बना दीजिए और उससे हफ्ते 10 दिन में रिपोर्ट लेके और एक सप्ताह के अंदर पुनर्विचार इस पर कीजिए। अभी मान्यवर सदस्य हमारा नाम चुके उन्होंने लिया, मैं इनको जानकारी देता हूँ, शायद आपको पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि उस समय जिस वक्त हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते तो उस समय कोई इस प्रकार से कच्छ का कहीं कोई आवंटन नहीं हुआ है। मुझे लगता है अध्यक्ष जी पूरी तरह से इस बात से अवगत हो। ठीक, और एक बात और एक लाइन सुन लीजिए, क्योंकि भारत का संविधान उसकी इजाजत नहीं देती है। हम सेकुलर स्टेट है, कोई मजहबी स्टेट नहीं है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई ये जो लोकतंत्र की मंदिर है इसको लोकतंत्र का ही मंदिर रहने। इन्होंने इतना ही आग्रह किया है सदन से, आपसे, आसन से, कि भाई इस पर आप पुनर्विचार करें। यही तो भारत की सहिष्णुता की पहचान है, यही तो भारत की धर्मनिरपेक्षता की सुगंध है, कि जिनके लिए आपने ये कमरा आवंटन किया वो कह रहा है कि पुनर्विचार करें, और एक व्यक्ति जो कमरा दिया वो कह रहा है कि हमने कमरा नहीं दिया। यही है भारत की पहचान, उल्टे कहते हैं आप। जब नामधारी जी अध्यक्ष थे महोदय, उन्होंने कहा कि हमने कमरा दिया, इसलिए इनके आग्रह में दम है। अध्यक्ष महोदय, इनके आग्रह को मानते हुए मेरा आसन से आग्रह होगा कि आप समिति बनाए और समिति विचार करे कि भाई अगर कमरे की जरूरत नहीं है, इनके प्रति कोई तवज्जो नहीं देना है, तो समिति विचार करेगी। यही मेरा आसन से आग्रह। आदमी खड़ा अध्यक्ष महोदय, मैं भी सरफराज भाई का प्रस्ताव को मैं भी उसको समर्थन करता हूँ। आसन से मैं आग्रह करूंगा कि इस पर विचार किया जाए। अगर सदन का मोटा मोटी इस पर सहमति है, सदन के सारे लोग अगर ये सब चाहते हैं, तो मैं सदन के साथ मैं आसन भी सहमत हूँ और मैं दूसरे पाली में समिति का घोषणा कर दूंगा और समिति का एक समय सीमा भी निर्धारित कर दूंगा, ताकि इस विषय को ज्यादा दिन तक न चले, इसका पटाक्षेप हो और समिति का जो भी निर्णय आएगा, पक्ष का, विपक्ष का, मान्य सदस्यों का, सारे दल के लोगों का जो भी निर्णय आएगा। आसन विधानसभा भवन में इबादत के लिए कक्ष आवंटन मामले को लेकर स्पीकर ने एक विधानसभा कमेटी बनाने की घोषणा की है। दो बीजेपी विधायकों ने इस पर संतोष जताया, लेकिन सारठ के बीजेपी विधायक ने कहा कि वे इबादत कक्ष संबंधी आदेश वापस होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने ये कहा है कि भाई एक समिति, अभी माननीय विधायक सरफराज अहमद जी ने ये कहा कि एक समिति बना करके इस पे विचार करिए, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने उनको ऐसा लगा कि शायद जो डिमांड पूरे झारखंड से उठ रही है ये निश्चित रूप से सही डिमांड है, क्योंकि हम लोग धर्म के रूप में लोगों को बांटने का काम नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये लोकतंत्र के मंदिर में क्षेत्र की समस्याएं, जनता की समस्याएं ही उठनी चाहिए। इस तरह का कभी भी कार्य नहीं होना चाहिए। आप नमाज अदा करें, आप प्रार्थना करें, सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है, किसी भी तरह जा कर के आप कर सकते, पर उसको विधिवत रूम आवंटित करना, इसका विरोध था। और शायद हमको लगता है कि सत्ता पक्ष को ऐसा लगा है, इसलिए आज उन्होंने ये
अभी कहा कि हम लोग समिति बना के इस पे विचार करेंगे। तो चलिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत और हार नहीं बल्कि ये लोकतंत्र की जीत है और लोकतंत्र में हमेशा सभी धर्मों का मान सम्मान होना चाहिए। देखिए, हम तो पहले दिन से चाहते थे कि ये जो असंवैधानिक कार्य हुए हैं विधानसभा के अंदर, ये पहले दिन ही पुनर्विचार करें अध्यक्ष जी, इसे वापस लें। आज भारतीय जनता पार्टी पिछले लगभग एक सप्ताह से लगातार इसके लिए आंदोलन कर रही थी राज्य भर में, और हमारी पार्टी का जो दबाव है वो कहीं ना कहीं काम आया। जो ही कमेटी बनेगी, कमेटी के हम रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि कमेटी आप बनाए हैं, लेकिन हमारों का मांग था कि आप सीधे खारिज करिए उसको। कमेटी बनाने का उद्देश्य क्या भाई? एक शब्द में आपको खारिज करना था, उस नोटिफिकेशन को रद्द करना था आपको। आपने नोटिफिकेशन को रद्द किया नहीं, अब कमेटी बना के झुंझुना पकड़ने का काम कर रहे हैं। इसे हम इसको जीत नहीं मानेंगे, बट हमारी आंदोलन आगे जारी रहेगी। और यदि सरकार ने, स्पीकर ने इसको रद्द नहीं किया तो हम लोग और आगे आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये विधानसभा के भीतर में किसी भी धर्म के लिए प्रेयर हॉल, नमाज अदा करने के लिए हो, प्रार्थना के लिए हो, हनुमान चालीसा के लिए हो, किसी के लिए ये नहीं होने चाहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।